We are continuing with the revisions of chapter number 5. Next, we are having variable which part variable wala hum concept kar rahe the. नीचे आपको ऑप्शन गिवन होंगे एंड यू आर टू आंसर. Very good. Did derivatives can be represented? Shitaj. Abhishek, let me see. I will tell you the name of the man. Shitaj, what are you doing? Achha. E to the power x upon y. Anji, same case. X is equal to e to the power x upon y. Either say, then me. So me, kya karoge? क्या करें क्या करें x का डेरिवेटिव मान हो गया. ओके इधर x by y सेम लिख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y. नेक्स्ट आप कैसे आप बताओगे इसका डेरिवेटिव बेटा. हाँ वन को मैंने मल्टीप्लाई करके वाई लिख दिया डायरेक्ट माइनस ऑप्शंस बता दूं मैं जरा आपको. एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स सेकेंड ऑप्शन है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स. थर्ड ऑप्शन इज एक्स प्लस वाई अपॉन लॉग एक्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग. यहां से x रिमूव कर. हां जी स्टार्टिंग में क्या करेंगे लॉग ले लो क्योंकि इसमें हमें ये वाली फॉर्म नहीं मिल रही है dy by dx वाली हमारी फॉर्म. तो आपने सबसे पहले क्या करना है अपनी ऑप्शंस देख लिए जो है अकॉर्डिंगली यू विल प्रोसीड. क्या आएगा यहां से लेके बेटी ऑप्शन हमारा उनमें से आंसर देगा मैच करेगा अकॉर्डिंग. वैसे मतलब अगर सेटिंग्स करोगे उसकी उसकी तो फिर आ नहीं सकते. आप क्या करो यहाँ पे log x is equal to हाँ ओके log e is one. यहाँ मैं इसको लिख लूँ y log x is equal to x क्योंकि
मेरे पास अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेती हूँ यू बाई बी वाला वाई स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं, तो हमने क्या किया इस y को इधर ले, तो ये हमारा बन गया y log x is equal to x. अभी log x log x square भी लेंगे, फिर कोई कटिंग्स वगैरह ढूंढेंगे कहाँ कौन सी टर्म करती है d y दोनों जगह इकट्ठा डेरिवेटिव कौन बोल रहा है मोहक. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग d y by d x इसका डेरिवेटिव ले लिया log x as it is plus y as it is, this is equal to, अब dy by dx is equal to, simplify करके जल्दी से आंसर बताएं, कौन सी ऑप्शन आएगी, यहाँ log x के साथ, बस एक स्टेप और है, हाँ x minus y upon x log x, यहाँ LCM ले लोगे, x minus y upon x हो जाएगा, ये वाला log x इधर आके multiply हो जाएगा, तो ऑप्शन d will be your answer, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा x into y e to the power x minus 1. Again find d by dx. Options are x minus 1 upon x into 1 plus y. क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता पर x माइनस y आपको गिवन है, यू आर टू फाइंड dy बाय dx. हां जी क्या करें बोलो जी. हाँ जी आप मेरे को ये बताओ आपके पास उधर e to the power वाली कोई टर्म है आंसर में ऑप्शन है फिर क्या करें क्या आएगा. log e is 1. log of x into y is log mn को क्या लिख सकते हैं log x plus log y. This is equal to x minus y. अब next step. मैम B option. Option D. Okay. Online. मैम B. B B. Okay. This is correct. B B. She said this. It's correct. Next step बताइए. थोड़ा सा speed बढ़ाओ. हाँ जी क्षितिज बोल दो आगे अगला स्टेप. नेक्स्ट स्टेप. ओके मैंने साथ ही कॉमन भी कर दिया ये. दिस इज इक्वल टू अब एलसीएम लो देन टर्म्स एक तरफ कर लो dy by dx एक तरफ कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर. सो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस वन. सो दिस विल ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट वन वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स प्लस फाइव and the options are x into e to the power x 2x plus 5 e to the power x to the power x into e to the power 2x plus 5 into 3 minus log x
x to the power x into e to the power 2x plus 5 into 1 minus log x, x to the power x into e to the power 2x plus 5 into 3 plus log x. These are the options. क्या करें? राइट हैंड साइड सारी टर्म्स एक्स वाली हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे वाई है, तो डिफरेंशिएट करो क्या आएगा. हियर वी आर हैविंग वेरिएबल पार वेरिएबल. इसका कल भी करवाया था, दो तीन दिन से कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं. अब तक इसका आपको डेरिवेटिव लर्न हो जाना चाहिए. एक्स टू दी पार एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स. मैम डी ऑप्शन. ऑप्शन डी दिस इज करेक्ट. इनटू क्या आएगा यहाँ पे, दिस टर्म एज इट इज, यू इनटू वी लगा रहे हैं यहाँ पे. डेरिवेटिव ऑफ यू ले लिया, वी एज इट इज प्लस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, ई टू द पावर 2x प्लस 5 इनटू 2. अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर. कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ से, x टू द पावर x और e टू द पावर 2x प्लस 5 आपका कॉमन आ जाएगा. ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. यहाँ रह गया हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 2, ये एड होके 3 प्लस लॉग एक्स, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट में हमें गिवन है, इफ एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. अब ये आपका चेन रूल है, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इनके ओरली भी आंसर मुझे बता सकते हो. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल, रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स. सो दिस ऑप्शन विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ 7 टू द पावर x प्लस 1/x, कौन सी फॉर्म बन रही है ये, कौन सी फॉर्म बन रही है, a रेज टू पावर x. क्या डेरिवेटिव होता है इसका, a रेज टू पावर x log x log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव इज 1/x का डेरिवेटिव 1, कौन बोल रहा है 1 का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा आपका, 7 रेज टू पावर x प्लस 1/x इनटू 1 माइनस log 7 इनटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर. सो आगे आप एलसीएम ले सकते हो ऑप्शंस, क्योंकि जो आपको गिवन है वहां पे ऐसे गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो एलसीएम लेके यू विल गेट योर आंसर. अभिषेक नेक्स्ट यू विल टेल, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अंडर द रूट. प्लस वन में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं. वन माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होते हैं, हाफ ऑफ हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाते थे आप. वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. सो यहां आ जाएगा टू साइन स्क्वायर, एक्स एंगल है यहाँ पे, तो हाफ ऑफ द एंगल एक्स बाय टू. वन प्लस कॉस एक्स 2 cos square half of the angle. साइन square by cos square क्या बन गया, under the root है तो क्या बन जाएगा, तो what will be the derivative of tan? Is it correct? Very good. हाँ जी, into derivative of x by 2. ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो यू हैव टू इम्प्रूव. नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ
आदित्य यू विल टेल मी. हाँ वन बाय बी टैन इनवर्स एक्स बाय बी. प्लस वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए. डेरिवेटिव ऑफ दिस इज. हाँ जी बिल्कुल है, दे देती हूँ मैं अभी. ऑप्शन वन है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सेकेंड ऑप्शन इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. थर्ड ऑप्शन इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. माइनस आ जाएगा बीच में. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हाँ जी हाँ जी मैम. ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट. कैसे? बिल्कुल ठीक है ऑप्शन बी. हाँ जी बताओ कैसे शुभी? वन बाय बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स आ जाएगा वन बाय बी इंटू वन बाय वन प्लस एक्स बाय बी होल स्क्वायर. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट प्लस वन बाय ए मैम इंटू वन बाय बी स्क्वायर. वन बाय बी भी आएगा मैम एक्स बाय बी का डेरिवेटिव. दिस वन मैम वन बाय बी जो बाहर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो बाहर है उसके साथ. यहाँ लिखूं बी लिखूं यहाँ वन बाय बी लिखूं? वन बाय बी. ओके दिस यू वांट टू से? यस मैम. ओके एक मिनट इस स्टेप को देखो. आपको वन बाय बी कॉन्स्टेंट था ये हमने ले लिया. टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? दैट इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? एक्स अपॉन बी. तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन बी इज वन बाय बी. ठीक है अभी यहाँ पे आओ क्या आएगा? वन बाय ए इंटू वन बाय ए इंटू वन बाय वन प्लस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर. मैम फिर सिंपलीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कट जाएगा और वहां पे बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कट जाएगा. तो फिर वन बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा. बिल्कुल ठीक है बेटा. अभी देखो यहाँ पे ये एलसीएम लिया बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है इंटू प्लस सॉरी वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन यहाँ पे भी सेम एलसीएम लिया अपॉन ए स्क्वायर. अब ये वन बाय ए स्क्वायर अगर हम देखें तो न्यूमिरेटर में इसको ले लूं अगर तो ये वाला वन बाय ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. सेम वे में ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. समझ आया? दोबारा देखो इसको यहाँ पे क्या है वन बाय बी स्क्वायर. ठीक है अगर मैं इसको न्यूमिरेटर में ले लूं इकट्ठा अपॉन में क्या है बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. इसको मैं ऐसे ले लूं तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो गए. व्हाट आई एम लेफ्ट विद वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. गॉट द स्टेप नाउ? सेम वे में यहाँ क्लियर है ये स्टेप? समझ आ गया? तो हमारा आंसर क्या रह गया हमारे पास वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. क्लियर? क्वेश्चंस ये डिफिकल्ट नहीं है बट यू नीड द प्रैक्टिस फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट वी आर हैविंग सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन. फाइंड द डेरिवेटिव. ऑप्शंस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन देन वन अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस वन अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन. दिस इज टू अपॉन नॉट माइनस वन दिस इज टू अपॉन.
हाँ जी क्या करें क्या वन अपॉन वन प्लस एक्स हाँ जी इधर से प्राची गुंचन अंकिता हो गया डन बी क्विक हरिया इनवर्स में किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस आपने कैसे कर कैसे रहे हो जरा ये भी थोड़ा सा आइडिया दो मुझे ताकि पता लगे कि सही प्रोसीड कर रहे हो कि नहीं हाँ जी हाँ एक मिनट आप क्या कह रहे हो अभी ना मोहक डन कैसे करें वो वन अपॉन कौन सी कोई एक बोल दो देखो कितना तुक्का आपका चलता है सेकेंड और फुट एक्स इज इक्वल टू सेकेंड थीटा एंड देन प्रोसीड यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन वाली फॉर्म बन रही है ना जब रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन वाली फॉर्म बनती है तो क्या करते हो एक्स को फुट करते हो सेकेंड थीटा या कॉसेक थीटा अब यहाँ कॉसेक इनवर्स है अपॉन में है ये तो इसको सेकेंड थीटा फुट करो सिंप्लीफाई करो जल्दी से put x is equal to secant theta and then proceed अभी फिलहाल आप उसको छोड़ दो वो टर्म टू में है इंटीग्रेशन यहाँ नहीं है ऐसे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे टर्म वन का रिजल्ट खराब करोगे अपना डोंट गेट कंफ्यूज क्योंकि ये डेरिवेटिव्स जो हैं दीज आर मच सिंपलर देन दैट इंटीग्रेशन तो अगर आप अभी उसके चक्कर में इसमें मार्क्स लूज कर रहे हो टर्म टू तो वैसे ही मुश्किल होने वाली है आपके टर्म वन में यू आर टू स्कोर बेटर मार्क्स टर्म टू में डेफिनेटली हम करेंगे हाँ जी हो जाती है प्रैक्टिस चाहिए हाँ जी मैं ना अभिनव हाँ जी करेक्ट है कैसे हाँ तो बताओ मुझे मैंने भी यही पूछा ऑप्शन डी इज करेक्ट हाँ अब बताओ क्या कर रहे हैं ओके आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया ठीक है जी ओके वन अपॉन हाँ ऐसे तो ये जो यहां होता है उसका मॉड होता है तो यहां अकेला एक्स कैसे आ गया क्या करूं इसको एक मिनट लेट हिम टेल बाकी तब तक प्रोसीड करो अपना हां जी अगला स्टेप रूट का ये हो गया ओके हाँ
इसको मैं अलग अलग लिख लूं आगे। ये भी है आगे क्या करना है फिर बाकी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो आंसर बेटे। हरी अप बी क्विक सुप्रीत डन। हां जी बताओ जी। हां जी बिल्कुल ठीक है। इसमें बेटे आपको सारा उसका चेक करना पड़ता है कि मॉड की फॉर्म में है तो कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव। तो बेटर टू रिड्यूस दिस दीज टर्म्स इनटू सम सिंपलर फॉर्म एंड देन प्रोसीड फॉर द डेरिवेटिव्स। ठीक है यहाँ से नो डाउट कि चलो आपका अब आंसर आ गया आपने दिया वो करेक्ट हो गया बट रिस्क फैक्टर इज देयर। हाँ जी क्या किया हमने सेकेंड इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू सेकेंड थीटा आ गया। ओके देन ये हो गया थीटा प्लस थीटा सॉल्व ही तो करनी है। हाँ सेकेंड थीटा अपॉन हाँ जी बिल्कुल ठीक है आगे टेन कहाँ से अच्छा ठीक है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इज टेन स्क्वायर थीटा। टेंथ में की हुई है आइडेंटिटी रूट था तो टेन स्क्वायर की जगह टेन थीटा आ गया। नाउ दिस इज सेकेंड इज वन अपॉन कॉस टेन इज साइन अपॉन कॉस ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट होके वन बाय साइन रह गया वन बाय साइन इज कोसेकेंट तो ये भी थीटा रह गया आपका तो थीटा प्लस थीटा क्या आ गया टू थीटा। अब थीटा क्या है आपका सेकेंट इनवर्स एक्स यानी कि अब हमारा ये बन गया टू सेकेंट इनवर्स एक्स। तो फॉर्मूला लगा दिया इसका डेरिवेटिव का टू अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे वन अपॉन मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है ये वाला टू ऑलरेडी था हमारे पास तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। गॉट इट ऐसे ज्यादा इजी रहेगा करना। तो जब भी इनवर्स वाले आ रहे हैं डेरिवेटिव्स तो कोशिश करो उनको सिंपलर टर्म्स में रिड्यूस करके करने की। नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग नेक्स्ट अब हमें गिवन है कि इफ अ रिलेशन बिटवीन ये केस गिवन है इफ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सच दैट वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स देन वाई इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। इम्प्लिसिट के बारे में आपको बताया गया है व्हेन अ गिवन रिलेशन एक्सप्रेसेस वाई एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन एंड वी वांट टू फाइंड डीवाई बाय डीएक्स वी डिफरेंशिएट एवरी टर्म ऑफ द गिवन रिलेशन रिमेंबरिंग दैट अ टर्म इन वाई इज फर्स्ट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन मल्टीप्लाइड बाय डीवाई बाय डीएक्स। वाई वाली टर्म्स को आप ऐसे ही करते हो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। अब नेक्स्ट जो टर्म्स हमें गिवन है दैट आर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू फाइव फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अब यहां पे वाई को आप अलग से नहीं लिख सकते वाई इक्वल टू के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा ये तो सीधा इसको डिफरेंशिएट करो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज थ्री एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्या आएगा डेरिवेटिव इसका एक्स टू एक्स कौन बोल रहा है अभी गुरसिमरन क्या लगेगा यहाँ पे यही गलती करनी है आपने पेपर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स वाई एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। चल गुरसिमरन बताओ जी एक्स वाई स्क्वायर है अब
हाँ बताओ। हाँ वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स कहाँ गया? हाँ तो उसको भी तो बोल, ये ठीक है, ये वाई स्क्वायर था यहाँ पे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव उसने क्या कहा पहले, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, टू वाई, तो वाई कहाँ बोला मैम आंसर माइनस वन, नो नेक्स्ट रीचेक करो बच्चे इसको। अब नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप बोलो, थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स इधर, बाकी सब उधर, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स तीन है ये और बाकी सब उधर, सो माइनस कॉमन ले लो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। सो ये तीनों टर्म्स इधर नीचे आ जाएंगी, सो दिस विल बी योर आंसर, क्लियर? मैंने एक स्टेप स्किप कर दिए, सो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट टू, एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, कर दूं ये इरेज बेटे? यहाँ इधर वाली सारी टर्म्स पॉजिटिव थी ना, ये कह रहे हो, यहाँ पूछ रहे हो ना, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट हमें गिवन है x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, चलो क्राची क्या करें, बी क्विक बच्चे, नाइन्थ बी अनुष्का, दिस इज नॉट योर मैथ्स पीरियड बच्चे, हाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो y log x इज इक्वल टू यहाँ x माइनस y आ जाएगा, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी ले लो और बाकी इकट्ठी, सो दिस विल बी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बिकॉज आई हैव डन इट क्विकली, सो मे बी कोई मिस्टेक ना हो इसमें, सो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है कर लोगे कंप्लीट? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क,